शमशाद 11 की टीम ने टॉस जीता और पहले पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया और तीन ओवर की समाप्ति पर उनकी टीम ने अब तक बनाए हैं 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। और संभवतः लगता है कि आज यहां से 12 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं पुनः निर्णायक महोदय से और खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि स्ट्रेट लाइन बनाएं और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा, शोएब बाबू साथ में लेकर के जाएं और क्लब के सदस्यों से निवेदन है कि आप हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर मैदान में प्रवेश करें। फूल और कांटे चमन की जीनत है, चांद और सितारे गगन की जीनत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम को रहने दो एक साथ, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को मालूम है कि आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ हमारा संविधान संपूर्ण 26 जनवरी 1950 का हुआ हो गया था, लेकिन आज 26 नवंबर 1950 के दिन में संपूर्ण संविधान को पारित किया गया और बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज हम सब इस दिवस को मना रहे हैं। बड़े शुभ अवसर पर और बड़ी कार्निवल एटमॉस्फेयर के बीच में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और जो संविधान के जनक और पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान का गठन किया, निर्माण किया, आज का दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जिस देश में हम रहते हैं, जिस लोकतंत्र और जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, वो भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और जमहूरियत देश है, जहां पर सभी अनुयायी और सभी मजहब के लोग यहां पे रहते हैं और किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की भावना नहीं है। यही है कि हम सब एक ही जगह और एक ही नहर में पानी पीते हैं और रहते हैं और किसी प्रकार की कोई भेदभावना और रेसिज्म की भावना नहीं रखते हैं। यह हमारा मजहब, यह हमारा वतन, यह हमारा हिंदुस्तान और यह हमारा देश लोकतंत्र जो देश है, ये सिखाता है मुझे कि एक साथ हम सब मिलजुल कर रहे हैं और इसकी उन्नति और प्रगति की और भलाई की और अग्रसर अपने वतन को करें और अपनी अपने देश को करें और विश्व में एक पहचान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय सम्मानीय श्री हीरामन नायक साहब जिन्होंने बैटिंग करके मैच का पुनः शुभारंभ किया और एक अच्छा संकेत यहाँ से दिया कि इस टूर्नामेंट का शुभारंभ यहाँ से आज से हो चुका है और तकरीबन अब यहाँ से 30 मैचेस खेले जाएंगे। डे बाय डे मैच का विवरण आप तक क्लब पहुँचाएगी कि कौन सा दिन मैच फिर खेला जाएगा। जिस तरह से सूचना मिली है, मैं इसका भी सूचना आप तक पहुँचाते चलूँ कि कल भी मैच शायद यहाँ पे खेला जाएगा, उसके बाद डे आफ्टर कल के बाद भी खेला जाएगा, उसके बाद फिर बीच में विराम दिया जाएगा, उसके बाद तत्पश्चात मैच का फिर से लीग मैचेस जो भी स्टेज के बचेंगे वो खेले जाएंगे। आज शमशाद 11 और एहसान 11 के बीच में मैच खेला जा रहा है और शमशाद 11 की टीम ने 3 ओवर की समाप्ति पर बनाए हैं 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब नए बॉलर के रूप में आए इरशाद आलम जो कि रेलवे एंड से बॉलिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।